खूब कहा है, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल DMR राशिफल में। मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों का 2 सितंबर दिन कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और तुला राशि वाले लोगों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम बताएंगे तुला राशि वाले लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। मित्रों आपकी भी तुला राशि है तो वीडियो को पूरा देखें। मित्रों आज का दिन गुरुवार है, विष्णु भगवान का दिन है, विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करें। मित्रों और कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखें, विष्णु भगवान आप सभी की सभी मनोकामना पूरी करेंगे। मित्रों वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों बात करते हैं आज की चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। आज आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिन स्त्रियों को धार्मिक कार्यों में रुचि होती है उनका मान सम्मान शांत होता है और नित्य शास्त्र के अनुसार ऐसी स्त्रियों को असफलता असफलता परेशान नहीं करती, वह सिर्फ अपने जीवन में उद्देश्य में मग्न होती हैं। और आचार्य चाणक्य जी कहते हैं जो स्त्रियां आलस से भरी होती हैं उन्हें जीवन में सफलता हासिल करना मुश्किल होता है और नित्य शास्त्र के अनुसार ऐसी महिलाओं को सफलता पाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं उन्हें परिवार के सदस्य खूब प्रेम देते हैं लेकिन मान सम्मान और नहीं मिलता। और आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो स्त्रियाँ अनुशासन में रहती हैं वह जल्दी सफलता को हासिल कर लेती हैं। कहते हैं कि ऐसी महिला दूसरों के लिए पीड़ा होती हैं, नित्य शास्त्र के अनुसार अपने सपनों को कार्य पूरा करने के लिए संभव होती हैं। महिलाओं के परिवार के सदस्यों के साथ समाज में वह खूब मान सम्मान मिलता है और ईश्वर सा करने में जिन महिलाओं के ईश्वर भाव होते हैं उन्हें आज अचालाकी से खुद की तरक्की करती हैं। कहते हैं कि इन स्त्रियों को दूर सफलता के रास्ते में बाधा आती है। मित्रों यही था आज की चाणक्य नीति का ज्ञान, पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं आज के पाचंग के बारे में। पाचंग 2 सितंबर दिन चल रहा है, गुरुवार तिथि चल रही है, दशमी नक्षत्र चल रहा है, अर्धरा ऋतु चल रहा है, वर्षा पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष। आज सूर्योदय होगा 5:48 पर और सूर्यास्त होगा 6:24 पर। आज का शुभ समय 12:48 से 1:56 तक। आज का अशुभ समय 2:24 से 2:56 तक। आज तुला राशि वाले लोगों की भाग्यशाली संख्या 4 है और भाग्यशाली दिशा उत्तर है और भाग्यशाली रंग काला है। मित्रों अब बात करते हैं आज की संपूर्ण राशिफल के बारे में। राशि आज तुला राशि वाले लोगों को लाभ सिर्फ लाभ ही लाभ दर्शाता है, व्यापार में बिक्री पड़ेगी, सारा दिन व्यस्त में बीतेगा और व्यापारिक परिस्थितियां अनुकूल होंगी, नौकरी पेशा वर्ग में लोगों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और सभी सेल्स व टारगेट आसानी से पूर्ण होंगे, कुल मिलाकर दिन अच्छा बीतेगा और तर्क कुतर्क व घरेलू वाद विवाद बढ़ सकता है। आप अपने विचार पूरे करने की कोशिश करें और एक अलग दृष्टिकोण से अपेक्षित कार्यों को पूरा करेगा, व्यवसाय से जुड़े कार्यों में मंदी होगी और आप अपनों के बच्चों को दिल दहलाने वाली खबर मिलेगी, परिवर्तन होगा, आपको परिवार से अपेक्षित समर्थन मिलेगा, कारोबार में लाभ रहेगा और वैवाहिक संबंधित प्रोत्साहन में प्रगति होगी और सामग्री वृद्धि के बारे में विचार होगा, सहायक दिन रहेंगे, नए अवसर प्राप्त होंगे, आपके प्रेम संबंधों में अनुकूलता होगी और आपके प्रेम में बहुत आकर्षित होगा। स्वास्थ्य में आज दांत मचूड़े दर्द के कारण समस्या महसूस करेंगे और स्वास्थ्य का कुछ ध्यान रखें। आज का दिन किसी सौगात से कम नहीं, सबसे पहले तो इस राशि में सूर्य और बुध एक साथ मौजूद होने वाले हैं, दूसरा यह है कि राशि शुक्र ग्रह बनवन होगी और यह योग आपको धनवान बनाएगा, पैसों की कमी दूर होगी, बिजनेस में लाभ मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन रहेगा, नए कार्य प्रारंभ करने के लिए वक्त रहेगा, स्वास्थ्य का कुछ ध्यान रखें, पुराने रोग दूर होंगे, निवेश बीमा शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा लेकिन सतर्क रहते हुए कार्य करें और लग्जरी लाइफ पर भी खर्च करना होगा। शुक्र ग्रह के संबंध व्यवप्रद सौंदर्य निराश पशु तत्व, इसके कारण तुला राशि वाले अनुवांशिक परिवर्तन होगा
और इनका जीवन चक्र कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा। स्वयं तराजू की भांति ऊपर नीचे होंगे और करियर में फिलहाल फोकस तुला राशि वाले आज खर्च से बचें और फालतू कहीं न जाएं और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सामाजिक व व्यवसायिक क्षेत्र में विरोधियों की भीड़ उपस्थित होगी और आपके सामने खड़ी होगी। आप अपने साहस को दिखाएंगे और बुद्धिमानी से उन लोगों को पराजित करेंगे। शुक्र ग्रह के कारण कुछ परेशानी व वास्तविक खड़ी रहेगी। आप अपने आदर्शिक स्वभाव के कारण स्वयं खड़े रहेंगे और हालांकि आपकी ऊर्जा करिश्मा प्रभावशाली होगी, इस समय स्थिर रहेगा और आप अपने काम में नए संपर्क बनाएंगे जो लोग आगे जाकर आपको शुभ प्रदान करेंगे। तुला राशि वाले लोग आज धैर्य रखें, आज आप मन को विचलित न होने दें। आज लेन देन के मामलों में सावधानी बरतेंगे और आज परिवार के साथ विसाद बिताने वाले समय अच्छे अवसर पर धर्म कर्मों के कार्यों में रुचि रहेगी। आज अपनी सेहत को लेकर वह गंभीर रहेंगे। जीवन साथी के साथ सहयोग प्राप्त होगा और विद्यार्थियों को पढ़ाई को लेकर गंभीरता दिखानी होगी। धन लाभ होगा, कठिन परिश्रम रहेगा। स्वास्थ्य को नज़रअंदाज न करें, विशेष सावधानी बरतें। पेट संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखें। और आज का दिन उतार चढ़ाव वाला महसूस होगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन, किसी आर्थिक नुकसान, पेमेंट अटक जाने के कारण हो सकती है और आवश्यकता से अधिक उधार लेकर कोई कारोबार न करें। कोई पिछला रुका हुआ धन मिलने की संभावना रहेगी। नौकरी पेशा वर्गों में लोगों को अच्छा दिन, बहुत से न उलझन, टारगेट पूरे नहीं होंगे, इसके कारण मानसिक शांति मिलेगी। मन में कुछ अच्छे विचार भी महसूस करेंगे। घर के परिवार में कुछ रिश्तों में प्रभावित कर सकता है। दबते जीवन में शांति व मनमुटाव की स्थिति आएगी और आप अपने कुछ कार्य में उत्तम रहेंगे। जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति महसूस करेंगे। पति पत्नी स्वास्थ्य संबंधित पीड़ा होगी, ज्यादा तनाव, ब्लड प्रेशर घट बढ़ सकता है और तुला राशि वाले लोगों को दिन मंगलमय रहेगा। हालांकि आपके खर्चों में बढ़ोतरी संभव होगी और लोगों के सामने अपने व्यवहार विकसील बनाए रखें, अपनी वाणी को मधुर बनाएं। और आज का दिन आपके लिए मन महान पुरुषों से मेलजोल बढ़ाने की संभावना रहेगी। नए कार्य वैज्ञानिक व तकनीकी विचार के उपरांत कुछ निर्णय लें। आप कम समय में अधिक काम करने में कामयाब होंगे और क्योंकि आपकी समय स्थिति धर्म प्रचार शक्ति बड़ी हुई चल रही है, घर के पुराने लटके हुए कार्यों में बना लेने का मौका रहेगा। कार्यों में सफलता रहेगी, मान सम्मान वृद्धि के योग बनेगी और अकस्मित उलटफेर लाभ होगा। मित्रों, यही था आज की राशि का राशिफल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो